बहुत से व्यूवर्स के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम विजिट वीजा पर जाते हैं तो क्यों लगता है टू वे ईयर टिकट। अगर हमें जॉब मिल गया तो हम लोग तो वही काम करने वाले हैं, हम लोग तो वापस नहीं आने वाले, तो वो टिकट हो जाएगा बेकार। तो क्यों लगता है टू वे एयर टिकट? नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। हेलो दोस्तों, फिर से आप सबका स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त टेक गुरु। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। दोस्तों, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं एक इन्वेंशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि कुछ सालों पहले एक इन्वेंशन हुआ था। कुछ सालों पहले मतलब शायद बहुत सालों पहले, ठीक है? वो इन्वेंशन हुआ था पेपर का, ठीक है? इस तरीके का एक पेपर, ठीक है? तो वो इन्वेंशन इसलिए हुआ था क्योंकि हम लोग उस पर कुछ लिख सके, यानी उस पेपर बना सके, या जो भी हमारा जो राइटिंग में डेटा होता है ना, तो वो हमारे पास रहे, इसलिए उसका इन्वेंशन हुआ था दोस्तों। मगर आपको ये पता है कि जो पेपर होता है उसका ज़्यादा इस्तेमाल लिखने के लिए या ऐसे डेटा स्टोरेज के लिए नहीं होता है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल अभी होता है इस तरीके के टिश्यू पेपर बनाने में, ठीक है? इस तरीके के टिश्यू पेपर बनाने में और टॉयलेट पेपर बनाने में, ठीक है? बात समझ में आई कि उसका इन्वेंशन इस बात के लिए हुआ था क्योंकि हम लोग कुछ लिख सके, उसमें डेटा सेव कर सके, और मतलब सेव मतलब जो भी हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं वो हमारे पास रहे, इसलिए हुआ था। मगर उसका इस्तेमाल तो हो रहा है अलग से, ठीक है? अभी आप बोलोगे टेक गुरु पागल हो गया, टेक गुरु कैसे एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है? तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक बात बताइए दोस्तों, ये जो हम मेरा लुक है वो कैसे लग रहा है? एक्चुअली ये पहले मेरा लुक ऐसा ही था, तो फिर मैंने बाद में चेंज किया था, मगर प्लीज़ मुझे कमेंट दीजिए कि ये मेरा लुक कैसे लग रहा है, ठीक है? चलो अभी हम लोग आते हैं टॉपिक पे हमारे, ठीक है? तो आज का हमारा ये टॉपिक है कि क्यों लगता है विजिट वीज़ा को टिकट, टू वे टिकट। अगर हमें तो यहाँ पे जॉब करना है तो टू वे टिकट की क्या ज़रूरत है, ये दिमाग में सब क्या आता है, ठीक है? तो मैं ये दिमाग से निकाल देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये जो विजिटिंग वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा जो होता है ना, ये यूएई गवर्नमेंट मतलब दुबई के जो गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया है कि लोग यहाँ पे घूमने के लिए आ सकेंगे। मतलब घूमने के लिए आए, कुछ मेहमान हो, उनके रिलेटिव्स हो तो उनसे मिले, यहाँ पर उनके साथ रहे, किसी की अगर वाइफ यहाँ पे हो तो वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे रहे, मतलब हस्बैंड यहाँ पे है तो वाइफ उनके साथ रहे, मतलब इस चीज़ों के लिए इन्होंने एक विजिटिंग वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा बनाया है कि लोग यहाँ पे आ सके, 30 दिन, 15 दिन, 3 महीने यहाँ पे आए, रहे उनके साथ और फिर वापिस चले जाए, इसलिए इन्होंने ये इन्वेंशन किया था इस वीज़ा का, ठीक है? मगर जो हमारे अतरंगी दिमाग होते हैं ना दिमाग, तो उन लोगों ने इसका अलग यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है? तो इसलिए इन लोगों ने विजिटिंग वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा को कंपलसरी लगता है कि टिकट, क्योंकि उनको पता है ना आप यहाँ पे आ रहे हो घूमने के लिए तो आपको वापस जाना है, ठीक है? आप यहाँ पे आ रहे हो आपके रिलेटिव को मिलने के लिए, आपको वापस जाना है, तो कंपलसरी आपको 2 टिकट लगते हैं, आने का और यहाँ से जाने का, 2-way टिकट कंपलसरी लगता है, ठीक है? वो इंडिया के जो एयरपोर्ट है वहाँ पे भी देखा जाता है, यहाँ पे भी आने के बाद यहाँ पे भी काउंटर पे देखा जाता है दोस्तों, ठीक है? अभी आपके दिमाग में होगा कि हमें क्यों चाहिए फिर, हम तो यहाँ पे जॉब करने के लिए आ रहे हैं, जॉब देखने के लिए आ रहे हैं। तो भाई लोग, दोस्तों, मेरे प्यारे व्यूवर्स, आपके दिमाग से ये बात निकाल दो, क्योंकि ये जो वीज़ा होता है ये घूमने के लिए होता है, ठीक है? ये हमारा यूज है, हमारा अतरंगी दिमाग है कि हम लोग ये दिमाग चला कर ये कर रहे हैं कि यहाँ पे घूमने के रीजन से हम लोग आते हैं, ठीक है? रीजन 2 होते हैं कि घूमने को आना या किसी रिलेटिव को मिलना, ठीक है? मगर हम यहाँ पे आते हैं विजिटिंग वीजा पर और हम लोग ढूंढते जॉब। अभी ये गवर्नमेंट को ये पता नहीं होता है यहाँ के या यहाँ के दुबई को कि आप लोग विजिटिंग वीजा पर यहाँ पे आते हो तो जॉब ढूंढते हो, ठीक है? ठीक है ना, आप वही एक हो गया कि आप यहाँ पे आते हो, जॉब ढूंढो, घूमो, वही बात हो गई, ठीक है? मगर रूल तो ऐसा है कि आपको वापिस जाना है, ठीक है? इसलिए आपको 2 2-way टिकट निकालने हैं। हाँ, आपको जॉब मिल जाए तो विजिटिंग वीजा कन्वर्ट हो जाता है आपके जो भी
ट्रांसफरेबल अगर वीज़ा है, मतलब विजिटिंग वीज़ा, तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपके एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में, मतलब आप यहीं पे रह सकते हो। मगर यहाँ के गवर्नमेंट को वो तो पता नहीं है ना कि आप लोग यहाँ पे आके, मतलब इतनी तो आपको अभी फैसिलिटी दी है उन्होंने कि आप अगर विजिटिंग घूमने के वीज़ा पर आते हो, अगर यहाँ पे आपको जॉब मिल जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है। इतनी अच्छी फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड कर दी है अभी आपको, ठीक है। मगर ये नहीं हो सकता कि वो जो टिकट है वो कैंसिल कर दे, वो लगता ही है, क्योंकि उसके बिना वो आपके पास अगर ना हो तो ये लोग आपको यहाँ पे एंट्री नहीं देते, ठीक है। उनके दिमाग में यही होता है कि विजिटिंग वीज़ा मतलब आप यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हो, आप यहाँ पे घूमोगे और वापस जाओगे। मगर आप लोग इस्तेमाल करते हो इसका इसलिए कि आप घूमते घूमते जॉब भी घूमते ढूंढते हो, ठीक है। ये हमारे अतरंगी दिमाग के आइडिया होते हैं। इसलिए मैंने पहले भी आपको एक पेपर का एग्जाम्पल दिया कि पेपर का इन्वेंशन हुआ था अलग तरीके के लिए लिखने के लिए, मगर उसका भी इस्तेमाल होता है कुछ और बात के लिए, ठीक है। तो कंपलसरी आपको लगता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है यहाँ पे कि अगर आप घूमने के लिए यहाँ पे आते हो तो आपको 3 महीने के बाद, 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद, वो उनको ये पता नहीं है कि आप यहाँ पे जॉब करके कंटिन्यू हो जाओगे, ठीक है। उनको ये पता है कि आप ये वीज़ा लिया है तो आपको यहाँ पे वो वीज़ा टाइमिंग ख़त्म होने पर आपको वापस जाना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात थी, दिमाग में डाल लो। और बहुत सारे वीज़ा के, मतलब जिनके पास होता है वर्किंग वीज़ा नहीं विजिटिंग वीज़ा, वो मुझे क्वेश्चन एक पूछते हैं, सर उसमें 1 महीने का वीज़ा होता है ना, तो उस पर लिखा होता है शॉर्ट टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म मतलब 1 महीने का वीज़ा होता है, और 3 महीने का अगर वीज़ा होता है तो उस पर लिखा होता है लॉन्ग टर्म टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है, लॉन्ग टर्म वीज़ा लिखा होता है। और उस पर जो है ना वीज़ा की एक्सपायरी डेट नहीं होती है। बहुत सारे अभी भी मुझे सवाल पूछते हैं कि सर विजिटिंग वीज़ा पर तो डेट नहीं लिखी हुई है। इस पर एक्चुअली मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो भी देख लीजिए, ठीक है। विजिटिंग वीज़ा पर जो एक्सपायरी डेट होती है वो वीज़ा यूज़ करने की होती है, वो 2 महीने की होती है वहाँ पे लिखी हुई, तो उसके पहले आपको वो वीज़ा यूज़ करना होता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल ऐसे होता है, आप ये मत सोचो कि मेरा तो वीज़ा 3 महीने का है और यहाँ पे तो 2 महीने की डेट आ गई, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। वीज़ा आप लेकर जब दुबई में आते हो, एंटर करते हो, तो उस दिन से आपके 90 डेज पकड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आपको दुबई वीज़ा हाथ में मिल गया उसी दिन से 90 डेज काउंट होते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात दिमाग से निकाल दो। बहुत सारे व्यूवर्स मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं वही कि सर ये है, तो ये बातें आज मैंने क्लियर कर दी। फिर मिल, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे बटन है। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो मेरे पिछले वाले वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में बहुत वीडियो है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए दोस्तों, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।